बीजेपी ने जिस तरह से ग्वालियर में 3 दिनों तक एक मेगा शो करते हुए कैंपेन चलाया, उसके बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मूड में है और आज कांग्रेस ने बीजेपी पर काउंटर अटैक करने के लिए बीजेपी की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 5,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी में हमने शामिल किया है, जिसमें बीजेपी के कई सदस्य भी शामिल हैं। बाहर गए और सो ईमानदार, बीजेपी में गए सो ईमानदार। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई थे तो उनके मंत्री थे, जो उनके बारे में कई बार ये चर्चा आ चुकी कि बिना पैसा लेके काम नहीं करते थे। ये सारी बातें और भ्रष्टाचार के आरोप की जो आरोप लगाने की बात सीधी अनीता जैन ने की है, उसका आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, वो टाइगर थे क्या थे, मध्य प्रदेश के इतिहास में एक पहली बार इतना विरोध सड़क पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ किया है। उन्हें जनतंत्र बेचने का आरोप लगाया, उन्हें गद्दार कहा है। इससे पहले इतना बड़ा आरोप कभी नहीं लगा और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को टाइगर कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने सज्जन भाई ने कहा कि वो पशुयोनी में पहुंच गए। मैं उन्हीं के एक नेता जो सम्माननीय कांग्रेस सम्माननीय बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री है, उनका ट्वीट आपने पढ़ लिया होगा, सम्मानित जयवान सिंह पवैया का, कि उन्होंने क्या कहा है और क्या बताया है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सज्जन भाई, आप अपनी बात करिए। धन्यवाद प्रजापति जी। सभी देश के चौथे स्तंभ का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दो मुद्दों पर मुझे बात करना है। सारी बातें सारे पत्रकार बंधुओं को भली भांति पता है। ग्वालियर की धरती पे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य जो बोल के गए हैं, दो बातें उनका मैं जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात, कल आज अखबार में छपा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पे माथा टेकने गए। अभी तो आरएसएस के दर पे गए हो, कल नड्डा के वहाँ जाओगे, परसों अजीत क्या शाह बोले अमित शाह के वहाँ, और कभी नरेंद्र मोदी ने गलती से टाइम दे दिया तो पता नहीं कितने घर पे दरवाजों पे माथा टेकने जाओगे। छोटी बात है, चट्टी पहनना पड़ेगा। अब वो तो नैसर्गिक है, वो तो प्राकृतिक है क्या? भाइयों, दो प्रश्न उन्होंने यहाँ पे, पहली बात तो ये कह दूं मैं कि 6 महीने बाद श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पे हुआ। वो खून का रिश्ता, पीढ़ियों का रिश्ता 6 महीने तक भूल गए थे। जब ग्वालियर की धरती पे लोग कोरोना से मर रहे थे, संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। 6 महीने बाद जब वो धरती पे आए ग्वालियर की, तब मात्र ज्योतिरादित्य रह गए। पहले श्रीमंत ज्योतिरादित्य थे, जनता ने काले झंडे दिखा के कह दिया कि भाई श्रीमंत गायब है, अब तुम ज्योतिरादित्य बन के आ सकते हो। इन्होंने कहा था शिवराज और ज्योतिरादित्य ने कि नेहरू गांधी परिवार ने कभी महात्मा गांधी को ढंग से काम नहीं करने दिया। इतिहास दोनों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि दोनों के इतिहास कलंकित है। मैं बता दूं, शिवराज चौहान और सिंधिया जी महाराज वाले महाराज बाबा वाले हो, ये वाले महाराज नहीं। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू उस जमाने के अरबपति थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कहा था, कांग्रेस चलाने के लिए कहा और स्वतंत्रता के संग्राम के लिए कहा कि ये खजाना अरबों रुपए का, स्वतंत्रता का संग्राम रुकना नहीं चाहिए एक क्षण भी, ये करोड़ों अरबों की संपत्ति, ये खजाना तुम्हारे लिए है। लेकिन ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि नेहरू खानदान, नेहरू जी 8-9 साल जेल में रहे, जवानी के अच्छे लम्हे उन्होंने जेल में बिता दिए। लेकिन यहाँ के लोगों को पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार में
उनके कपड़ों में जेब नहीं होती, कभी कभी जेब नहीं होती ना रश्मि, जेब ही नहीं है तो क्या स्वतंत्रता के इतिहास में इनकी भागीदारी होगी। अच्छा मैं तो ये कहता आरएसएस के दरवाजे पे गए आज, अरे झांसी की रानी के चरणों में यहाँ पे शीश नवा के जाते तो भी आधा अपराध माफ हो जाता, कोई बात नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कही विकास की, सिंधिया बाबू ने कहा कि मैं विकास नहीं हो रहा था इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के शरणम गच्छामी होने गया बीजेपी। साथियों बता दूं, कल गडकरी साहब ने एक सड़कों का उद्घाटन किया है, 4000 करोड़ की सड़क देवास से ग्वालियर 4 लेन, 4000 करोड़ रुपया में लेके आया था। मैं देवास से सांसद था, श्रीमान जी गुना से सांसद थे, 4000 करोड़ उसका भूमि पूजन करने, पत्थर गवाह हैं शिवपुरी में लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सज्जन वर्मा ने उस 4000 करोड़ की सड़क का भूमि पूजन किया। जब कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे देश के, फिर शहरी विकास मंत्री बने, इनकी जितनी नगर पालिका नगर पंचायत था उस दौरान का इतिहास उठा के देख लें, अरबों रुपए कमलनाथ जी ने इनकी नगर पालिका नगर पंचायत में और सड़कों के लिए दिया। अब ये कह रहे हैं कि साहब विकास विकास नहीं हुआ, अरे विकास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबू तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हुआ। अरे तुमने तो मंदिर की जमीन तक नहीं छोड़ी, रोकड़िया मंदिर की जमीन तक नहीं छोड़ी, अरे वो तो ठीक है, कुत्ते की समाधि भी नहीं छोड़ी। गजब का साहस है ज्योतिरादित्य जी आप में, कितने अच्छे सौंदर्यवान नेता थे हमारे, पर बीजेपी में जाते ही